वेलकम बच्चों। सो हमारा चैप्टर चल रहा है रोटेशनल मोशन। एक्चुअल रोटेशनल डायनामिक्स है जिसमें सर्कुलर मोशन का पार्ट और रोटेशनल मोशन का पार्ट है, ठीक है। तो उसमें से हमारा सर्कुलर मोशन का पार्ट हमने देख चुके। अब हमारे पास है रोटेशनल मोशन जिसमें हम ऑलरेडी कुछ चीज़ें देख चुके, ठीक है। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। ऊपर से लास्ट टाइम हमने देखा पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी, ठीक है। अब उसका इस्तेमाल किसके लिए करना है कि अगर मान लीजिए कि जनरली हमें क्या होता है कि किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर वो पहले निकालना होता है। लेकिन अगर एक्सिस अगर बदल जाए, मान लीजिए कि कहीं और चला जाए, जैसे एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है और मान लीजिए कि ऐसी एखादी बॉडी इसके ऊपर क्या हो रही है, घूम रही है, ठीक है, इस तरह से घूम रही है, रोटेट हो रही है, ठीक है। तो ये एक्सिस देखो, ये एक्सिस सेंटर से जा रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम रहना चाहिए, जो हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कहीं अगर इस तरह से अगर बॉडी घूम रही है, यानी एक्सिस क्या हो गया, देखो ये टेंजेंट है, ठीक है, वो ऐसा भी घूम सकता है, ठीक है, वो सब हो सकता है, वो ऐसा भी घूमे, वो सब डिपेंड करता है, ठीक है। तो अलग अलग एक्सिस के अबाउट अगर बॉडी घूमती है तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो निकालने के लिए हमारे पास इधर में हेडिंग है। लेकिन उसके पहले, जैसे कि मैंने कहा आपसे, सबसे पहले आपको किसकी ज़रूरत है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। इसलिए हमने कुछ बॉडीज़ की जो रेगुलर फिगर्स होती है, रेगुलर बॉडीज होती है, उसके कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर हमने क्या किया है, लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर जैसे लास्ट टाइम हमने, अगर आप सब आपको अगर मालूम हो तो हमने रॉड के संबंध में, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि थीन यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ML² / 12 है। एक्चुअली हमने इसको डिराइव किया हुआ है, ठीक है, कि कैसा आता क्या आता ये हमने देखा हुआ है, ठीक है। इसलिए अभी हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि डायरेक्ट पूरे के पूरे लिख दिए और फिर अबाउट एनी एक्सिस कैसे निकालना है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है, जिसके लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलो, जैसे कि यहाँ पर हेडिंग है हमारे पास में, आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हेडिंग है, मोमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ द बॉडीज अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर, ठीक है। तो कुछ बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे, जैसे कि पहला थीन यूनिफॉर्म रिंग, ठीक है। जैसे कि बच्चों अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक आधी रिंग होती है, जैसे टायर वगैरह ले लो, ठीक है, वो रिंग अगर क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, तो उसके सेंटर से जाने वाला मोमेंट ऑफ, सेंटर से जाने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहने वाला है, I = mR². अब जाहिर सी बात है m यहाँ पर मास होगा और r यहाँ पर क्या होगा, रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है, थिन यूनिफॉर्म रिंग, कोई भी रिंग ले सकते हैं आप, ठीक है। सो वो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा थिन यूनिफॉर्म डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, जैसे हमारे घर में सीढ़ी होती है, अब सीढ़ी प्लेयर में सीढ़ी लगाते हैं ना, म्यूजिक सीढ़ी, ठीक है, तो वो हमारे क्या है, डिस्क है, CD कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं उसको, यानी डिस्क है, ठीक है। या फिर सॉलिड सिलेंडर अगर है, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक प्रकार से आपके क्या है, डिस्क है, ठीक है, इसकी थोड़ी अगर मोटाई अगर बढ़ा दो तो ये सॉलिड सिलेंडर कहलाएगा। जैसे हमारे पास कॉइन होता है, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का वगैरह, ठीक है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से, ये सभी जो लिखे हुए ये वो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो एक्सिस कहाँ से पास हो रहे, सेंटर से, ऊपर हेडिंग क्लियर लिखी हुई, ठीक है। सो थिन यूनिफॉर्म डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का क्या रहने वाला है, I = mR² / 12। उसके बाद में थिन यूनिफॉर्म रॉड, अगर मान लीजिए कि एक आधा रॉड है हमारे पास, जैसे अगर मान लीजिए मेरे हाथ में ये जो पेंसिल है, ठीक है, अब इससे बारीक हो सकता है, इतना भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है, तो अगर ये इस तरह से सेंटर है, हाँ, तो इस तरह से अगर घूम रहा है वो, यानी क्या बोलेंगे हम, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू दिस सेंटर, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ये पूरी कंप्लीट हेडिंग है, ये हमने शॉर्ट में कुछ चीज़ें लिखी हुई है। तो I = क्या रहेगा, ML² / 12, ये ध्यान में रखो, ठीक है। फिर एक आधा सॉलिड स्पीयर है, मान लीजिए कि एक आधा हमारे पास में कॉर्क बॉल होता है या फिर लड्डू होता है, ठीक है, ये जो चीज़ होती है, तो वो सॉलिड स्पीयर के लिए हमारे पास क्या है, 2/5 mR², ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ML² / 12 है ना, तो m तो मास ऑफ रॉड होगा, लेकिन यल क्या होंगे, उसकी लेंथ होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हॉलो स्पीयर, अगर हॉलो स्पीयर का मतलब एक आधा जैसे हमारे पास में प्लास्टिक का बॉल वगैरह होता है, ठीक है, वो अंदर से क्या होता है, पूरा खाली होता है, ठीक है, तो वो हॉलो स्पीयर, उसके लिए ध्यान में रखना है I = 2/3 mR², ठीक है।
फिर उसके बाद यूनिफॉर्म सॉलिड कोन है, ठीक है। मान लीजिए कि एक आधा हमने क्या कर लिया, यूनिफॉर्म कोन बना दिया जो सॉलिड हो, अंदर से खाली ना हो। देखो आइसक्रीम का कोन पूरे आइसक्रीम के साथ अगर भर दिया जाए और उसको थोड़ा सा फ्रीज कर दो आप, तो वो सॉलिड कोन बनेगा। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू 3/10 mR², ठीक है। और वही कोन अगर उसके आइसक्रीम भरी नहीं है तो खाली हो जाएगा, हॉलो हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म हॉलो कोन के लिए हमारे पास में क्या रहने वाला है, ये, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास ये कोन है, ठीक है, इस तरह से, और एक्सिस अगर ऐसा जाता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, यूनिफॉर्म हॉलो कोन के लिए mR² / 2, ठीक है। और ये अगर मान लीजिए कि पूरा का पूरा यानी सॉलिड है तो हमारे पास क्या होगा, 3/10 mR². हमारे पास में स्पीयर है, स्पीयर यानी बॉल, ठीक है, बॉल ले सकते हैं आप, लड्डू ले सकते हैं सॉलिड स्पीयर के लिए। हॉलो स्पीयर के लिए हमारे पास में क्या होगा, बॉल होगा, प्लास्टिक का बॉल ले लो, रबर बॉल, कॉर्क बॉल सॉलिड के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब हमारे पास में जो हेडिंग है उस हेडिंग को थोड़ा चेक करिए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास हेडिंग क्या है, एमआईज ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस। अगर मान लीजिए कोई भी एक्सिस अगर आपको दे दिया जाए तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा उस बॉडी का, वो निकालना है। जिसके लिए हम दो थ्योरम पढ़ चुके हैं, पैरेलेक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो हम पैरेलेक्सिस थ्योरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बशर्ते बॉडी कैसी उस पर डिपेंड करता, और वहाँ पे एक्सेस ऑफ रोटेशन कैसे रहने वाले वो हमको मालूम। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस में चाहिए, अबाउट द एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर, ये मालूम हो। ये अगर मालूम हो जाए तो फिर टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर थोड़ा हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगता है, और स्पेशली जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो लैमिनार बॉडीज़ के लिए लगाइए, यानी जो प्लेनर बॉडीज़ होती है उसके लिए, ठीक है। कंपल्सरी नहीं बोलूँगा लेकिन जनरली ध्यान में रखिए सब चीज़ें। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हाथ बॉडी का अलग अलग एक्सिस के अबाउट बाय यूजिंग द थ्योरम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, हाँ वो हम देखते हैं, ठीक है। तो एक हम क्या करते हैं, हमारे पास वैसे भी थिन यूनिफॉर्म रिंग है जिसका सेंटर से जाने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है। अब हम दूसरी ओर से निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहेंगे हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, ठीक है, यानी थिन यूनिफॉर्म रिंग, ठीक है, अबाउट ठीक है, अबाउट द एक्सिस बोलो या फिर अबाउट द, डायरेक्ट लिख देता अबाउट टेंजेंट बोल देता यहाँ पर, ठीक है, अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब पहले तो हमको इसको समझना है, ठीक है, ढंग से समझो। अब हमारे पास में क्या बच्चों, थोड़ा सा मुझे रिंग मिली नहीं है तो मैं ये डिस्क का ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। मान लीजिए कि ये रिंग टाइप है, ठीक है, तो यहाँ पे ये डिस्क है, यहाँ ध्यान में रखो हमारी हेडिंग रिंग है। इसको दो मिनट के लिए समझो क्योंकि मुझे कोई बॉडी मिली नहीं है, ठीक है। सो खैर, तो हमारे पास यूनिफॉर्म रिंग है अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स अ प्लेन। अब फिलहाल हमारे पास में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो थिन यूनिफॉर्म रॉड है उसका रिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू उसका सेंटर मालूम है। यानी ये जो हमारे पास में आप देख रहे हो ये एक्सिस है हमारे पास, ये सेंटर से जाने वाला एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर क्या कहा, अबाउट द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स अ प्लेन, यानी हमको क्या करना है, ये एक एक्सिस हो गया सेंटर से जाने वाला। अभी हमको जो नया दिया हुआ है ये कैसा है, यहाँ पर इस तरह से, ये देखो टेंजेंट है। दूसरी बात, ऐसी भी टेंजेंट हो सकती है, लेकिन ऐसी टेंजेंट अगर है तो वो क्या हो जाएंगे, इन द प्लेन होंगे। ये जो टेंजेंट है ये कैसी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखो आप यहाँ पे 90 का एंगल तैयार हो रहा है, ठीक है। यानी अगर मैं आपको ऐसा बताऊँ, ये टेंजेंट है, देखो इसके बीच में 90 का एंगल तैयार हो रहा है, यानी ये टेंजेंट है, ठीक है, जो कि इस प्लेन ऑफ डिस्क रिंग को क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये डिस्क है असल में, लेकिन हमको रिंग पढ़ना है, हमारे पास रिंग है ही नहीं इसलिए मैं इसी का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं एक रिंग यहाँ पर निकाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लेते, एक रिंग मैं आपके लिए निकाल देता हूँ, ठीक, ये चीज़ है हमारे पास। अभी फिलहाल हमारे पास में जो एक्सिस है वो फिलहाल एक्सिस कैसा है हमारे पास, तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मालूम है वो इसके अबाउट मालूम है, ठीक है। यानी ये हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑलरेडी ये जो हमारे पास mR² है ये क्या है, थिन यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। इस तरह से बॉडी घूम रही है, समझो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है,
और यहाँ पे इसको हम IC कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम? IC यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। और हमें अभी जो चाहिए वो कैसा है, तो वो देखो एक्चुअली ये ऐसा नहीं है, ये इस तरह से, लेकिन मैं आपको इसके पहले भी कह चुका हूँ कि हम इसको हवा में नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए बताते समय ऐसा बताते हैं। उसी प्रकार जो हमारी टेंजेंट है, जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है, इसको ऐसा रहने वाला है, ठीक है, लेकिन हवा में कैसे निकालूं भाई, नहीं निकाल सकते हम, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी ऐसा निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से हम टेंजेंट निकालने वाले, ये पॉइंट O है समझो, और ये पॉइंट C यानी सेंटर हो गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अब एक टेंजेंट निकालते हैं जो कि इसको क्या रहने वाली है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक्सिस निकाला हुआ है, ठीक है। अब इसके अबाउट हमको क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं इसको नाम देता हूँ IO, ठीक है, O पॉइंट से जाने वाला, ठीक है। अब थोड़ी देर के पहले मैंने बताया, फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये एक्सिस भाई इस तरह से है, ठीक है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम है। अब हमको चाहिए इस तरह से, ठीक है, जो O पॉइंट है, देखो आप इस तरह से है, ठीक। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि यहाँ पर ये दोनों एक्सिस आपको किस तरह से नज़र आ रहे हैं, तो आपको क्लियरली दिख रहे हैं, दीज आर दी पैरेलल एक्सिस, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी सबसे पहले तो हम क्या कहेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रिंग अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स अ सेंटर, उसका फार्मूला लिखेंगे। उसके बाद बोलेंगे कि जो टेंजेंट है इस एक्सिस को परपेंडिकुलर है, इसलिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे। अच्छा, हमने फार्मूला कौन सा है हमारे पास, ध्यान दीजिए, हमारे पास फार्मूला है IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, ये पैरल एक्सिस थ्योरम है। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY है। तो हमको फिलहाल इसको लगाना है, IC तो हमें मालूम है, ये जो I है, ठीक है, ये IC हमारा MR स्क्वायर, M जो मास होगा बॉडी का यानी रिंग का, ठीक है। उसके बाद में H जो है हमारा, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस, वो क्या है, पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल एक्सिस है, अब इसके बीच का डिस्टेंस मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। तो अगर मैं इसके बीच में अगर ये देखूँ, तो बच्चों क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये आपका H है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये रिंग की ही क्या है, रेडियस है, ये रिंग किच क्या है, रेडियस, यानी यह चीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे एकदम सिंपली डायरेक्ट काम करते हैं हम यहाँ पर। क्या बोलेंगे हम, पहले देखो आपको वो कंसीडर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, अगर पूछा गया तो आप पूरा का पूरा लिख सकते हैं कि कंसीडर अ थिन यूनिफॉर्म रिंग अबाउट द एक्सिस पासिंग, ठीक है, अबाउट द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स अ प्लेन, ये हमारा मेन है, इसके बारे में हम बोलेंगे, लेकिन लिखेंगे इसके बारे में, ठीक है। अगर ये करके बताना है तो मैं आपको इसके कंप्लीटली करके भी बता देता हूँ। क्या बोलेंगे हम, कंसीडर ए थिन यूनिफॉर्म रिंग, कंसिडर अ थिन यूनिफॉर्म रिंग, ठीक है, रोटेटिंग, अब आगे बोलेंगे रोटेटिंग अबाउट, देखो टेंजेंट दिया है उसने, तो वही एक्सिस लिखना है, रोटेटिंग अबाउट द टेंजेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट्स अ प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट्स अ प्लेन, यानी इसको परपेंडिकुलर है, ये इस तरह से हमने ऐसा बताया उसको, ठीक है। लेट क्या बोलेंगे, एम जो होता है, इट इज़ द मास ऑफ रिंग, क्या कहेंगे, मास ऑफ रिंग कहेंगे, ठीक है। आर जो है ये उसकी क्या है, रेडियस है, यानी हम कहेंगे यहाँ पर रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है, रेडियस ऑफ रिंग। अब इसके अबाउट निकालना है ना, तो पहले मुझे क्या मालूम चाहिए, IC यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, तो पहले वो लिखेंगे हम। यहाँ कहेंगे वी नो दैट क्या है हमारे पास, MI यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, ठीक है, क्या है, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स अ प्लेन। अब बोलेंगे सर ये क्यों लिखा आपने, ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए, पासिंग थ्रू इट्स अ सेंटर कहा ना बच्चों, तो ये देखो ये आपको परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा निकालूँ, ये भी तो सेंटर से जा रहा, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं, ये डायमीटर हो गया, ये इन द प्लेन हो गया, इसलिए आपको वहाँ पे लिखना होता है, ठीक है।
तो चलो अभी हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिखा हमने वी नो दैट एम आई ऑफ द रिंग अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स अ सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स अ प्लेन इज गिवन बाय। चलो बताओ क्या फार्मूला है हमारे पास, तो आई सी नाम देंगे उसको, और फार्मूला वो है रिंग का, क्या है, एम आर स्क्वेयर। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, टेंजेंट के अबाउट। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो टेंजेंट है, गिवन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, ठीक है, सॉरी पैरेलल टू दिस एक्सिस, ये यहाँ पर क्या है, पैरेलल है। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, एज गिवन टेंजेंट क्या है, इज पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, यहाँ पे ये जो गिवन टेंजेंट, अब उसके बारे में हम ऑलरेडी ऊपर में बोल चुके हैं। ठीक है, वो हमारे उस एक्सिस को जो सेंटर से जा रहा और उसको परपेंडिकुलर है, उसको क्या है, पैरेलल है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, सो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या बोलेंगे हम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अनुसार क्या फार्मूला है, अब बताओ, तो आई ओ इज इक्वल टू हमारे पास है आई सी प्लस एम एच स्क्वेयर। देखो आई वो हमको निकालना है, आई सी की वैल्यू ये है, यम हमारे पास मास है, नई कौन चीज़ आई है, एच, तो एच क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस जो रेडियस के बराबर है, वेयर क्या बोलेंगे हम, वेयर एच क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, सो हियर एच इज इक्वल टू क्या है, आर है। ठीक है, अब चलो इसमें रखो। ठीक है, सो आई वो इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखो आई वो, ये आई सी क्या है हमारे पास, एम आर स्क्वेयर प्लस ये एम है फिर से, और ये जो यच है, यच के जगह पे क्या रखेंगे हम, आर और उसका स्क्वेयर। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, आई ओ इज इक्वल टू यम आर स्क्वेयर ये बनेगा आपका ट्वाइस एम आर स्क्वेयर। ठीक है, तो बच्चों ये है हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन यूनिफॉर्म रिंग अबाउट द एक्सिस, ठीक है, विच इज टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स अ प्लेन। ठीक है, यानी इसके प्लेन को अगर मान लीजिए कि रिंग ऐसी है, तो असल में वो इस तरह से एक्सिस रहने वाला है। ठीक है, टेंजेंट अब हम बता नहीं पाते इसको, इसलिए हम इसको वर्टिकल बताएं। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, आई वो इज इक्वल टू ट्वाइस एम आर स्क्वेयर। तो सेंटर से अगर पूछो तो क्या है, एम आर स्क्वेयर, और अगर टेंजेंट जो कि परपेंडिकुलर है रिंग के प्लेन को, तो वो क्या होगा, ट्वाइस एम आर स्क्वेयर। तो इस तरह से हम हमारा पैरल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, और उससे अलग अलग, जैसे हमने हेडिंग डाली है एम आई ऑफ द बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, बशर्ते आपको मालूम चाहिए कि आपको सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम चाहिए, सेंटर से जाने वाले एक्सिस के अबाउट, और जो एक्सिस है आपको दिया गया या फिर पूछा गया, वो उस एक्सिस को पैरल है कि परपेंडिकुलर है, ये आपको ढूंढना होता है। जैसे अगर मालूम है कि पैरेलल है तो ये थ्योरम लगाइए, परपेंडिकुलर है तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और वहाँ पे आई एक्स कैसा होगा, आई वाई कैसा होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और सेंटर से मालूम हो जाने के बाद किसी भी एक्सेस के अबाउट वी कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर आप भी घर में क्या करते रहिए, कोशिश करते रहिए कि अलग अलग, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में वगैरह होता है, ठीक है, पीछे क्या है, एक बड़ा सा चार्ट दिया हुआ है, उसमें अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिए। अब जैसे यहाँ पर है, जैसे हमने यहाँ पर आपको ये बताया कौन सा, कि इस तरह से हमारे पास में सेंटर से हो गया, ये टेंजेंट हो गया। अब टेंजेंट ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, अगर आप एक्सिस ऐसा जाता है तो डायमीटर हो सकता है, तो उसके अनुसार आप क्या करो कि अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करो। एक आध और वीडियो हम इसके ऊपर लेंगे, ताकि हमको और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानने के लिए अलग अलग एक्सिस का, इसी के इसमें जैसे रिंग का ही है हमारे पास, तो हम डायमीटर से या फिर ऐसी टेंजेंट जो इसके प्लेन में ही है, उस तरह से हम निकालने की पूरी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। आप भी ट्राई करो, हम आपको फिर से बताएंगे। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन, bye.